रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आए दिन रक्तदान शिविर लगाए जाते हों, लेकिन जरूरतमंदों को ब्लड नहीं मिल पा रहा है। इसका फायदा उठाते हुए खून के दलाल सक्रिय हैं, जो कि आए दिन मरीजों के साथ ठगी भी करते हैं। एक ऐसा ही मामला उस समय सामने आया जब सतना निवासी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती एक युवक ने 1500 रुपए की मांग की। बताया जाता है कि ये ब्लड युवक से निकाला भी नहीं गया था, लेकिन धमकी देकर 1000 रुपए ठग लिए गए और भागने लगा, जिसकी जानकारी लगते ही आसपास के लोगों ने पकड़ कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पकड़ा हुआ युवक बिछिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर के सामने का रहने वाला इकरार बताया जाता है, जबकि पीड़ित सतना जिले के सेमरिया का रहने वाला है, जिसे पेशेंट के पैर में फ्रैक्चर होने के चलते ऑपरेशन हुआ था, जिसे के लिए उसे ब्लड की आवश्यकता थी। वहीं युवक ने खून देने के बहाने पीड़ित से 1500 रुपए मांगे और 1000 लेकर भागने का प्रयास किया। आइए दिखाते हैं पूरी घटना और सुनाते हैं पकड़े गए आरोपी और पीड़ित को भी। तुमसे क्या बोलो, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? हम जगन्नाथ मंदिर सामने रहने वाले हैं। जगन्नाथ मंदिर नाम क्या है? कहाँ से मिल रहे हैं? कहाँ से आए हो? जगन्नाथ मंदिर। जैन मंदिर? जगन्नाथ मंदिर बिछिया। बिछिया से? अरे सब पहचानते, मैं आते जाते रहता हूँ, मेरा दोस्त यार भर्ती। फोन देने आते जाते रहते हो? नहीं भैया, तो दलाली करने आते हो, चोरी करने?